हेलो दोस्तों, तो पिछले कुछ दिन आप BTS आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार जा रहे हैं, लेकिन आज आप आर्मी के लिए इस साल की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है, जिस न्यूज़ ने हमारे पूरे फैंडम और K-pop इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है कि फाइनली जिनके मिलिट्री से डिस्चार्ज वाले दिन सभी BTS के मेंबर एक साथ होंगे जिनकी मिलिट्री से डिस्चार्ज को सेलिब्रेट करने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि अब सिर्फ दो दिन के बाद 12 जून को हम आर्मी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन जिन अपनी मिलिट्री सर्विसेज पूरी करके वापस आने वाले हैं। एंड आज अभी थोड़ी देर पहले साउथ कोरिया के सबसे बड़े न्यूज मीडिया डिस्पैच ने इस बात की रिपोर्ट देकर इसे कंफर्म करा है। 12 जून को जिनकी मिलिट्री डिस्चार्ज सेरेमनी मनाने के लिए BTS के बाकी सभी मेंबर्स ने अपने अपने मिलिट्री बेस में 12 जून के लिए वेकेशन यानी कि छुट्टियां अप्लाई कर दी है। तो दोस्तों, BTS के सभी मेंबर ने आज जिनके मिलिट्री डिस्चार्ज से दो दिन पहले ही अपनी वेकेशन अप्लाई कर दी है, ताकि ये सभी मेंबर्स जिनके साथ हो उसके मिलिट्री डिस्चार्ज वाले दिन। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिनके मिलिट्री बेस में 12 जून को BTS के सभी मेंबर्स के आने की वजह से बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो सकता है और इस वजह से कोई दुर्घटना ना हो, तो इसीलिए BTS जिनकी सेरेमनी जिनके मिलिट्री यूनिट के बाहर मनाने की जगह BTS सियोल में किसी दूसरी जगह पर मनाएंगे। एंड इसके अलावा रिपोर्ट में हर बार की तरह इस बार भी हम फैंस से रिक्वेस्ट करी गई है कि वो जिनके डिस्चार्ज वाले दिन उसके मिलिट्री बेस में ना आए। तो दोस्तों, फाइनली अब ये कंफर्म है कि BTS 12 जून को एक साथ होंगे, जैसे BTS के बाकी मेंबर जिनको सबसे पहले मिलिट्री में एक साथ छोड़ने गए थे, वैसे ये सभी 12 जून को एक साथ होंगे जिनके डिस्चार्ज वाले दिन। साथ ही साथ वैसे तो BTS की 11th एनिवर्सरी BTS और हम आर्मी हम दोनों के लिए स्पेशल है, पर हम फैंस से भी ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट ये एनिवर्सरी BTS के लिए है। तो इसी वजह से इस टाइम BTS आर्मी बहुत ही ज्यादा खुश है कि फाइनली 12 जून को BTS के सभी मेंबर्स एक साथ जिनकी घर वापसी और अपनी एनिवर्सरी मना पाएंगे। साथ ही साथ वैसे जिनका मिलिट्री डिस्चार्ज हम आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, पर अब ये जानकर कि उस दिन BTS के सभी मेंबर्स एक साथ होंगे, तो आर्मी के एक्साइटमेंट अब 12 जून के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। एंड अब सभी आर्मी बस यही होप कर रही है कि इस फेस्टा पर अब हमें जिनके साथ ही साथ BTS की नई OT7 फोटो भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, 12 जून को जिन और BTS को एक साथ देखने के लिए आप सभी कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।